मुझे आश्चर्य होता है। गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वंचित छात्रों को ये छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ये अभिनंदनीय प्रयास हुआ, लेकिन संस्कृत को क्यों उससे उपेक्षित किया गया ये मैं नहीं समझ पाया। अभी तक संस्कृत के केवल 300 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी और उसके लिए भी छात्रों को पता नहीं था, कोई आवेदन नहीं कर पाता था। कुल 300, 25 करोड़ की आबादी है। मैं आश्चर्यचकित करता था, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से जब प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा की भी मान्यता प्राप्त होती थी, तब नेपाल और देश के अलग अलग जगहों के छात्र काशी में भी, गोरखपुर में भी अध्ययन करने के लिए आते थे। सन 2001 में उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद बनी और परिषद को मान्यता नहीं मिली, लेकिन छात्रों का प्रवेश होता रहा। कभी प्रयास नहीं हो पाया कि इस संस्कृत परिषद को हम मान्यता दिला पाए। मैंने जब एक बार छात्रों की संख्या के बारे में पूछा कि वे संस्कृत से छात्र क्यों भाग रहे हैं, पता लगा कि मान्यता न होने के कारण बाहर के बच्चे अब आने से कतराते हैं। हम लोगों ने मान्यता बहाल करवाई। आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद में भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की मान्यता पहले से थी और यह देश का प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय है। अपनी एक लंबी यात्रा इस संस्कृत संस्थान ने आगे लेकर के चला है, बढ़ा है, गौरवशाली परंपरा के साथ आगे बढ़ा है, लेकिन संस्कृत परिषद को मान्यता तब मिल पाई जब हम लोगों की सरकार 2017 में आई और आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद को भी मान्यता है। जब मैं इस प्रांगण में प्रवेश किया और मंच पर भी आने के उपरांत भी आप सबने एहसास किया होगा कि स्वस्ति वाचन और मंगलाचरण, वैदिक मंगलाचरण के कार्यक्रम जब यहां पर संपन्न हो रहे थे, जो सामूहिकता की अनुगूंज हो रही थी वह केवल एक स्वर नहीं था, बल्कि भारत की सनातन धर्म की एक ऊर्जा का एक स्वर, आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत होकर के भी गूंजायमान हो रहा था। संस्कृत को अगर समझना है तो इस स्वर के अंतःकरण में स्वयं को समाहित करना पड़ेगा और वही जब श्रद्धा भाव के साथ इस स्वर के साथ अपना तारतम्य स्थापित करेगा तो संस्कृत की ऊर्जा और संस्कृत के महत्व की जानकारी उसे हो पाएगी। और इसी ऊर्जा से संपूर्ण उत्तर प्रदेश ओतप्रोत हो, इस ऊर्जा से युक्त युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ी हो और हर सनातन धर्मावलंबी इस ऊर्जा के साथ आत्प्लावित हो सके, इस दृष्टि से इस समारोह के साथ हम दीपावली के ठीक पहले देश के सबसे प्राचीन इस संस्कृत विश्वविद्यालय में डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम पर स्थापित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ जुड़ रहे हैं।